दोस्तों एलजी ने फाइनली एलजी G6 को अनवील कर दिया है। बहुत दिनों से टीज किया हुआ था कि फोन में ऐसा है, फोन में ऐसा है। तो आज दोस्तों आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपसे एलजी G6 के बारे में ही बात करने वाला हूं। आपको बताऊंगा कि फोन के इंटरनल्स क्या है, फोन की स्पेसिफिकेशंस क्या है, फोन में क्या नया है, क्या पुराना है और मेरे क्या ओपिनियंस हैं एलजी G6 के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी ने देखे होंगे बहुत सारे टीजर्स पिछले बहुत सारे दिनों से जो एल जी आगे लेके आ रहा था कि फोन में ऐसा होगा, फोन में वैसा होगा। तो हम सभी बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे 26 फरवरी के लिए जब एल जी को अनवील करना था एल जी G6। यहाँ पे ये बात भी क्लियर थी कि एल जी जो है वो G5 की जो मॉड्यूलर अप्रोच है उसको आगे लेके नहीं आएगा, कुछ अलग यहाँ पे करने वाला है। तो आज सबसे पहले आपसे बात करता हूँ स्पेसिफिकेशंस की, बताता हूँ कि फोन में क्या अलग है, क्या पुराना है और आगे बढ़ेंगे मेरे ओपिनियंस के लिए। दोस्तों यहां पे आपको इस फोन में जो डिस्प्ले मिलता है वो काफी अलग है, क्योंकि यहां पे इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 18:9 का, या फिर मैं आपसे सिंपल कहूं तो 2:1 का। ये ऑलमोस्ट एक 2K डिस्प्ले ही है, लेकिन आपको वर्टिकल साइड में थोड़े से और एक्स्ट्रा पिक्सल्स मिल जाते हैं। जो कंप्लीट आता रेजोल्यूशन वो है 1440x2880 पिक्सल्स का। यहां पे जो आपको मिलते हैं कॉर्नर्स वो भी राउंडेड हैं, जो कि मैच करते हैं फोन के ओवरऑल डिजाइन से। आपको दोस्तों फोन में मिलता है स्नैपड्रैगन 821, 4GB की RAM, 3300mAh की बैटरी, क्विक चार्ज 3.0 का सपोर्ट। करीब आधे घंटे में आप बैटरी को 50% चार्ज कर सकते हैं, और अगर आप करीब चार्ज करेंगे 90 मिनट तक तो आपकी बैटरी जो है वो फुल चार्ज हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहां पे जो कैमरास हैं वो कुछ और चेंज किए गए हैं। जो रियर कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल के दो कैमरास, बेसिकली जो सेंसर है वो दोनों में सेम है, लेकिन यहां पे जो एंगल है उसका डिफरेंस है। एक कैमरा है 71 डिग्रीज एंगल के लिए, जो दूसरा कैमरा है वो है 125 डिग्री के वाइड एंगल सपोर्ट के साथ में। जो मेन कैमरा है वहां पे आपको OIS मिलता है, जो एपर्चर है वो है f1.8 का। जो वाइड एंगल कैमरा है वहां पे OIS नहीं है, और जो एपर्चर है वो है f2.4 का। दोस्तों उन्हीं के नीचे आपको मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। जो फ्रंट कैमरा है वो है f2.2 एपर्चर का, 5 मेगापिक्सल का एक कैमरा, जहां पे आपको मिलता है 100 डिग्रीज का वाइड एंगल। फोन में आपको जो डिस्प्ले मिलता है दोस्तों वहां पे HDR10 का सपोर्ट है, Dolby Vision का सपोर्ट है। LG इसको कहता है कि ये है एक फुल विजन डिस्प्ले। फोन IP68 की रेटिंग के साथ में आता है, एंड्रॉयड 7 है। उसके अलावा जो इंटरनल स्टोरेज है वो है या तो 32GB या है 64GB, डिपेंडिंग कि आप इसको कहां से परचेज करेंगे। माइक्रोएसडी कार्ड का सपोर्ट आपको मिलेगा, और बस किस्सा खत्म, कहानी खत्म। दोस्तों यही था एलजी G6, ज्यादा कुछ यहाँ पे मैं मतलब बात करने के लिए है नहीं। जो फोन का डिजाइन है उसमें आपको मिलता है मेटल फ्रेम, जो बैक वाला पोर्शन है वहां पे आपको मिलता है ग्लास, लेकिन देख के लगता है आप अगर दूर से देखेंगे तो शायद वो ब्रश्ड मेटल है, लेकिन यहाँ पे वो ग्लास है, उसके नीचे आपको डिजाइन मिलेगा। तीन अलग अलग कलर्स हैं यहाँ पे, आइस प्लैटिनम है, मिस्टिक व्हाइट है और एस्ट्रो ब्लैक है। और बस यार कुछ है नहीं आगे बात करने को G6 के बारे में। सोचा बहुत कुछ था कि फोन में ऐसा, फोन में वैसा, तो ठीक है कुछ कैमरा मोड्स हैं, जो फोन का UI है वो थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन अभी भी LG का टिपिकल कार्टून स्टाइल वाला है, इतना कुछ मैच्योर लगता नहीं है वो देख के। कैमरा में बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा अलग अलग मोड्स दे दिए हैं। उसके अलावा जो क्वाड डैक LG यूज करता था, LG बहुत पहले टाइम से, तो वो यूज कर रहा है, और खत्म किस्सा। आगे क्या बात करूं जिस इसके बारे में, मतलब बहुत सारी उम्मीदें थी कि फोन में ऐसा, फोन में वैसा, लेकिन ऐसा कुछ एक मेरे को USP नहीं नजर आई फोन में जो फोन को एक सेलर अच्छा बना सके। मतलब प्रोसेसर यूज किया है स्नैपड्रैगन 821, तो अब पुराना प्रोसेसर है यार, अभी 835 का जिक्र हो रहा है और 6 महीने के बाद में वो भी शायद पुराना हो जाएगा। तो मतलब अभी ऑलरेडी 821 को यूज करना फोन में, 4GB की रैम के साथ में और 32GB की स्टोरेज, तो मतलब कुछ ऐसा पैकेज अगर बना के लेके आते जहां पे एकदम बायर्स अट्रैक्ट हो जाए कि अच्छा ये चीज तो कहीं और नहीं मिल रही है तो हम ले लें, लेकिन इस फोन में ऐसा कुछ खास है नहीं। मतलब इवन अगर आप कंपेयर करें LG G5 के साथ में तो माइनर आपको इंप्रूवमेंट्स मिलेंगे। मतलब ठीक है फोन का जो डिजाइन है वो इंप्रूव्ड है, फोन का जो स्क्रीन है वो इंप्रूव्ड है, कैमरा तो थोड़ा सा इंप्रूव किया, बैटरी को इंप्रूव किया, एंड देन जस्ट ओवर। तो आप दोस्तों खुद बताइए कि आपका क्या मानना है G6 के बारे में। मतलब यहां पे आयरिस स्कैनर भी नहीं है, यहां पे इसके अलावा कुछ और ऐसा मतलब यूनिक फीचर नहीं है जो आपको किसी फोन में और में ना मिलता हो। ठीक है वो जो ड्यूअल कैमरा है वो मैं मान गया। इंडिया में डिपेंड करता है सारा कुछ LG की प्राइस के ऊपर कि LG क्या प्राइस रखता है। अगर प्राइस अच्छी रखता है तो बिक सकता है, अच्छा बिक सकता है। लाइक वो लोग जिनको कुछ अलग डिजाइन चाहिए, जो वेट नहीं कर सकते हैं ऐसे, तो वो ले पाएंगे। अदरवाइज एक नॉर्मल प्राइस के साथ में तो अगर वो जाएगा तो शायद लगता नहीं कि फोन इतना अच्छा कुछ कर पाएगा, क्योंकि फोन में USP नहीं है यार कुछ। आप मुझे बताइए कि आपके क्या ओपिनियन से, क्योंकि मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि LG लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा लेके आएगा जो शायद आपको ट्रेडिशनली नहीं मिलता है, लेकिन वही
जो स्टैंडर्ड स्टफ है, मतलब मैं इतना खुश नहीं हूं। अभी देखते हैं कि आगे जो और लॉन्चेस होने वाले हैं। अभी MWC में जहां पे वावे लॉन्च करने वाला है, उसके अलावा नोकिया का लॉन्च है और मोटरोला का लॉन्च है, तो वो देखते हैं शायद कुछ एक्साइटिंग हो। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।